हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरे सामने आप एक कंपोनेंट देख रहे हैं, आपका यहाँ पे फोर लेग्स का है, ये कौन सा कंपोनेंट है और ये काम क्या करता है, या फिर हम इसको जंपर लगा के सही कर सकते हैं, पूरी केस स्टडी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर आप देखिएगा। थोड़ा और आप ऊपर दिखाइएगा, देखो ये बहुत सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये एक दो कंपोनेंट और लगे हैं फोर लेग्स के। तो ये क्या काम करते हैं मदरबोर्ड में, क्यों लगे होते हैं, इनका काम क्या है, और जो नए मदरबोर्ड हैं आ रहे हैं उनमें ये किस तरीके से आप चेक करेंगे, और इनके ख़राब होने पर फ़ोन के अंदर जो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उसके अंदर क्या खराबी आती है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ओके, और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको थोड़ा ऐड कर देते हैं कि जो मैंने 40 तो यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, जो मैंने 40 आईडी गिव अवे की थी, लोगों को मैंने दे दी, बट उनके भी मैसेज आ रहे हैं। बट समस्या यहाँ पे ये है कि बहुत से ऐसे लोगों के पास आइडियाँ पहुँच गई हैं जिनको रजिस्टर करना ही नहीं आया। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे 40 आइडियाँ, तो एक करके आप लोग रजिस्टर कर लीजिए, जिसको मिल जाए उसी का फ़ायदा है। बस ऐसे चलते रहिएगा और हम क्या बताएं। तो ये है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, और इसका जो नया नाम है इसको हम लोग बोलते हैं LDO। क्या है नया नाम? LDO, लो वोल्टेज ड्रॉप आउट। ओके, तो ये जो मदरबोर्ड में लगा होता है तो इसको हम लोग जंपर नहीं कर सकते। सबसे पहला बात यह कि हमको इसको जंपर से इसको हम लोग नहीं निकाल के, आप जैसे आप लोग कई बार कॉइल लगी रहती थी ना, दो कॉइलें एक साथ लगी रहती थी अंदर से, तो आप लोग उनको क्या करते थे, पॉइंट बाहर रहते थे और उनको आप जो है डिस्प्ले चेक के बाद दोनों को निकाल के जंपर कर देते थे, चार पॉइंट हुआ करते थे। बट ये कॉइल नहीं है, ये है LDO। अब LDO क्या काम करता है उसको समझेंगे कि क्या काम करता है, और इसको इग्नोर करने की कोई मतलब जरूरत नहीं है, इसको पूरा आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये मोबाइल के मदरबोर्ड में पार्ट लगा होता है, और जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो बिल्कुल 5G वाले फ़ोन आ रहे हैं उसके अंदर ये नहीं है, तो ये आखिर गए कहाँ पे, ये काम क्या करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे तो ये जो पावर IC है, तो पावर IC का काम क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पावर IC। तो पावर IC का काम क्या होता है, इसको UEMIC भी बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। पावर IC का काम है पावर को मैनेजमेंट करना, कि भाई कौन से सेक्शन को कब पावर और कितने टाइम पे चाहिए। जैसे मान लीजिए माइक को पावर चाहिए तो इसको 1.8 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जबकि इसके पास तो VPH की लाइन आई है ना, VPH की है 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट की, तो इसके पास तो इतना वोल्टेज है, लेकिन ये इसको माइक को कब चाहिए, जब माइक एक्टिवेट होता है। रिसीवर की सप्लाई है, रिसीवर को कब चाहिए, स्पीकर को कब चाहिए, वाइब्रेटर को कब चाहिए, और सबके अलग अलग वोल्ट हैं, 1.8 वोल्ट से लेके 2.8 वोल्ट 1.8 से, मतलब अलग अलग वोल्टेज हैं। या मान लीजिए हमको RFIC को कुछ वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, CPU को कुछ वोल्टेज चाहिए, CPU को, या EMMC को वोल्टेज चाहिए, EMMC IC को, मतलब कि 2.8 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज, मतलब कि सबको अलग अलग वोल्टेज की सप्लाइयाँ चाहिए होती हैं। तो ये पावर IC क्या करती है, इन सभी को क्या करती है, वोल्टेज देती है कम करके, मैनेज करके। लेकिन तो क्या करती है कि IC तो ये काम करती है, बट ये जो आपने अभी जस्ट देखे ये LDOs, ये भी हर सेक्शन में कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं, डिस्प्ले में है, जैक में है, इनका भी काम क्या है, वोल्टेज को कम करने का। ठीक, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही उसको वोल्टेज देना। तो किस तरीके से कुछ काम करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे इसकी फोर पिनें हैं, तो फोर पिनों में एक पिन हो उसकी होगी इनपुट की VIN, इतना भी वोल्टेज है 3.7 वोल्टेज। इसके बाद एक पॉइंट इसका क्या होगा, चार पिन का है, ग्राउंड होगा, और एक पिन पे इस पे आएगा EN सिग्नल, EN 1.8 वोल्ट की सप्लाई, इनेबल सिग्नल, और एक पॉइंट से यहाँ से आउट होगी सप्लाई, इसकी आउटपुट जितनी भी सप्लाई ये
डिपेंड करता है कि आगे किस डिवाइस को ये सप्लाई दे रहा है, 2.8 हो सकती है, 1.8 हो सकती है, जो भी सप्लाइयाँ यहाँ पे जिस सेक्शन को देनी है, तो जिस सेक्शन में ये लगा है डिपेंड करता है उस पर। तो इसमें आप ये समझिए कि डायरेक्टली आप इसको वोल्टेज नहीं दे सकते ना, आउटपुट नहीं दे सकते। अब इसके अंदर आईसी के अंदर क्या होता है कि कई बार यहाँ पर रजिस्टर वगैरह लगे रहते हैं अंदर से, मतलब सर्किट के, और इसी में जिन्हें डायोड वगैरह लगे रहते हैं जो कि सप्लाई ग्राउंड रहते हैं, प्लस की सप्लाई यहाँ पे, ये ऐसे मतलब कि रजिस्टर है, जिनर डायोड है, ये वोल्टेज को कम और फिक्स करके आउट निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक इनेबल सिग्नल दिया जाता है कि जो कि सीपीयू या पावर आईसी से कंट्रोल होता है सिग्नल्स, या कई बार ऐसा है अगर वोल्टेज अगर इसको फ्लक्चुएट बराबर जो वोल्टेज दिया जाता है, तो इसमें क्या है कि ये 3.7, तो इसमें क्या है रजिस्टर वगैरह लगा दिए जाते हैं, रजिस्टर ग्राउंड कर दिया आर, और इसमें एक रजिस्टर ग्राउंड कर दिया जाता है जो कि डिवाइडर सर्किट का काम करता है, R1 R2। तो ये इस तरीके की इसकी सर्किटें आती हैं पहले कुछ फ़ोनों में। तो अब इस समय LDO जो है आ रहे हैं, अब जो बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोन है उनके अंदर LDO ये 4 लैक्स का लग के नहीं आता है। वो क्या होता है, ये पावर आईसी में ही इन्वेल्ड हो गया। किस में इन्वेल्ड हो गया, पावर आईसी के अंदर हो गया जाके। तो अब कैसे इनबिल्ट हो गया वो भी हम थोड़ा देखते हैं। जस्ट देखिए यहाँ पर जब हम लोग ट्रेसिंग करते हैं तो ट्रेसिंग में एक लाइन आती है वी रेग वोल्टेज रेगुलेटर L1 L2 L3 वी रेग वोल्टेज रेगुलेटर, ये L7। तो ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 23 यानी कि अब ये 23 LDO जो है ये पावर आईसी में ही इनबिल्ट कर दिए गए हैं, समझिए, अलग अलग वोल्टेज को बनाने के लिए। अब अलग अलग वोल्टेज क्यों, कि अलग अलग डिवाइस है, जैसे कैमरा है, जो भी है अलग अलग। जैसे यहाँ पे RFIC है तो वहाँ पे लिखा है वन, यहाँ पे लिखा है वी रेग L1 यानी कि LDO 1, और इसकी सप्लाई कितनी है 1.0 यानी कि 1 वोल्ट, RFIC के लिए 1.0 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। इसके बाद LPDDR 1.2 वोल्ट, इसके बाद VDD Max 1.225 वोल्ट, RFIC एंड GPS 1.8, L5 डिफॉल्ट पूरे मदरबोर्ड में पहुंचता है, EMMC IC 2.9 वोल्टेज, WCN 3.3 वोल्ट, सेंसर 2.8, ये जो है। और यहाँ पे लिखा है L13, तो यानी कि L13 का मतलब यहाँ पे LDO जो है वो कौन 13 काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये जितने भी LDOs हैं उनको सबको क्या कर दिया गया, अब पावर आईसी के अंदर ही इंक्लूड कर दिया गया, इनबिल्ट कर दिया। पहले के मदरबोर्डों में और अभी मार्केट में है तो जो मदरबोर्डों में इस तरीके से आपको देखने को मिलते थे इस तरीके से, और अब क्या है, अब सब इसी के अंदर। क्योंकि आप समझिए इस पावर आईसी के पास अगर 23 LDO और लगा दिए जाएंगे तो बोर्ड हमारा बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सर्किट भी बड़ी होगी जाके। तो इस चीज़ को आप कंट्रोलिंग करती है आपकी पावर आईसी। अगर आप ट्रेसिंग करते हैं तो वी रेग L1 L2 L3 इस तरह की सप्लाइयाँ आपने देखी होंगी, तो वो अब चीज़ें कहाँ से आती हैं, LDO से। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि इसको जंपर नहीं लगाना है, नॉट जंपर भाई, इसको जंपर से नहीं बना सकते कि आपने ऐसे जोड़ दिया। ये कमेंट में भी क्वेश्चन आया था और मेरे स्टूडेंट्स ने भी मुझसे पूछा, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो काहे नहीं बनाया जाए, क्योंकि कई लोग इसको निकाल के जंपर करने का सलूशन सोचते हैं। तो इसको जो है जंपर आप नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, इसको जंपर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये और बहुत से मदरबोर्ड में ये आपका लगा रहता है, आप देखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जहाँ पर इसका पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, ये वी इन है, वोल्ट इन हो रहा है, ये नंबर ग्राउंड है, चेक कर लीजिए मल्टीमीटर से, ये वाली आउट पिन है और ये वाली इनेबल सिग्नल है 1.8 वोल्टेज EN यानी इनेबल है। इस तरीके से आप इसको चेक करेंगे, तो ये है इसकी टेस्टिंग इनपुट आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है, तो आप इनेबल पे चेक करेंगे कि इनेबल पे अगर 1.8 आ रहा है फिर भी नहीं आउट हो रहा है, यानी कि ये LDO आपका खराब है, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो कैसा लगा वीडियो, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, किस शहर से देखते हैं, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर मैं बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है लाइक करिएगा, और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।